एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 19th मई के करंट अफेयर्स। साथ ही साथ परचम के एप्लीकेशन पे हमारा कोर्स अवेलेबल है। अगर आज आप उस कोर्स को परचेस करते हैं, चाहे वो SSC GA कोर्स हो या फिर RRB GA कोर्स, तो आपको सक्सेस 20 कोड यूज़ करना है, जिससे आपको एडिशनल 20% ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आज की क्लास का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए है, तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगर आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो आज एक ही दो दिन में जो है बहुत सारी अपॉइंटमेंट हो गई है। जैसे कि अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अपॉइंटमेंट बात करते हैं, लॉर्सन एंड टर्बो, रॉयल इनफील्ड, सोमालिया के प्रेसिडेंट, फ्रांस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन 30 ईयर्स, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गए हैं। तो एक बार पहले हम उन सारे नामों को पढ़ लेते हैं और फिर उन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो MCQ फॉर्म में नहीं रखा है। रीज़न इज़ दैट, क्योंकि हमें पर्सन और वो किस क्षेत्र में अपॉइंट हुए हैं वो पढ़ना है, इसलिए मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे रखा है और उनके बारे में कुछ बातें यहाँ पे रखी हैं, ठीक है। स्टार्ट करें तो देखिए, सबसे पहले एक लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस लिस्ट को आपको याद करना है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा ये फोर्थ नंबर पे इसे याद करना है, फिफ्थ नंबर का याद करना है, सिक्स नंबर याद करना है, 7, 8, हाँ ये 8 नाम तो आपको याद करने ही करने। अगर बाकी आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो और एक बार बस माइंड में रख सकते हो, जिससे ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजाबेथ बॉन्ड के बारे में। तो ये फ्रांस की फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। तो 30 सालों के बाद, मतलब 1991-1992 में पहले वहाँ पे फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, लेकिन 30 साल बाद अब पहली बार फीमेल प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की बन रही हैं। तो आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ बॉन्ड, ठीक है। तो एलिजाबेथ बॉन्ड का नाम याद रखना है। अगली बात करते हैं हसन शेख मोहम्मद। हमारा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, कुछ इस तरीके से अफ्रीका निकला हुआ है, और यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया। तो सोमालिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं हसन शेख मोहम्मद, ठीक है। एलिजाबेथ फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर, हसन शेख सोमालिया के प्रेसिडेंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर हम सिती कांता पटनायक एंड राजीव रंजन। राजीव रंजन जी के बारे में कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वहाँ पर इन्हें चुना गया था। अब वापस से राजीव रंजन जी हैं जो न्यूज़ में हैं। तो यहाँ पे पटनायक जी और राजीव रंजन जी, इन्हें RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। अगर RBI की हायरार्की के ऊपर बात करते, तो RBI में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और डिप्टी गवर्नर के नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। 12, 15, 16 इस तरीके से कई सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो उनमें से अब दो कौन बन गए हैं, सिती कांता पटनायक और राजीव रंजन जो है वो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, SS मुंद्रा। तो मुंद्रा से मुद्रा याद कर लो, मुद्रा मतलब मनी और स्टॉक मार्केट, BSE, SS मुंद्रा, ठीक है। तो SS मुंद्रा जो है वो BSE के चेयरमैन बन गए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने कल डिस्कशन किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नेपाल गए थे विजिट में, वहाँ पे उन्होंने 6 MOU पे साइन किया था, तो नेपाल न्यूज़ में था, ठीक है ना। अब यहाँ पर अरुण प्रोजेक्ट के लिए भी हमने साइन किया है। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर चेयर जो है काठमांडू यूनिवर्सिटी में बनाने के लिए, बुद्धिस्ट स्टडी के लिए, वो भी हमने MOU साइन किया। इस तरीके से 6 MOU साइन किए हैं। अब नवीन श्रीवास्तव, इन्हें एम्बेसडर बना दिया गया है नेपाल का, राजदूत बन गए हैं नेपाल के, कौन, नवीन श्रीवास्तव, ठीक है। नेक्स्ट है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा जी का नाम आप जानते होंगे, 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत के, राइट। इन्हें ग्राम उन्नति के द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो ग्राम उन्नति के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं सुनील अरोरा जी, आगे अभी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है SN सुब्रमण्यम, लॉर्सन एंड टर्बो, जिसे हम LNT भी कहते हैं। LNT के MD एंड CEO बन चुके हैं SN सुब्रमण्यम, ठीक है। LNT हेड ऑफिस मुंबई में मिलेगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वी गोविंद राजन इसके CEO बन गए हैं, CEO बन चुके हैं ये रॉयल इनफील्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर हेड ऑफिस आप कह सकते हैं, वो तमिलनाडु चेन्नई में है। तो वी गोविंद राजन के CEO कौन बन चुके हैं, CEO बन गए हैं रॉयल इनफील्ड के,
तो गोविंद राजन जी रॉयल इनफील्ड, एस एन सुब्रमण्यम लॉर्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट है नोबाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इटालियन ओपन 2022 का टाइटल जीता है। तो इटालियन ओपन 2022 मेन सिंगल का टाइटल नोबाक जोकोविच ने जीता है, और इटालियन ओपन 2022 फीमेल सिंगल का टाइटल ईगा स्वीटेक ने जीता है। ठीक है, किसे हराया है अभी आगे हम देखेंगे। सिफ्त कौर शमरा, तो इन्होंने ISSF जो जर्मनी में वर्ल्ड कप चल रहा है जूनियर वर्ल्ड कप, उसमें गोल्ड हासिल किया है। डॉक्टर कमाल बाबा US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इलेक्ट होने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर कमाल बाबा हो जाएगा, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है सिसली एंडी जेबेट, ठीक है ना, कैमरून की हैं बेसिकली, इन्हें बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियन अवार्ड 2022 दिया गया है। अभी हम देखेंगे कि अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुई थी। साउथ कोरिया काफ़ी समय से न्यूज़ में है, तो साउथ कोरिया में ही ये सेरेमनी हुई थी जहाँ पे इन्हें बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियन अवार्ड 2022 दिया है। ठीक है, और भी कुछ अवार्ड्स हैं वो हम देखेंगे। डेफ ओलंपिक जो ख़त्म हो चुके हैं उसमें भारत की रैंकिंग देखेंगे, भारत के टोटल मेडल देखेंगे, तो इस लिस्ट को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से PDF मिल जाएगा। सो एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोड है EXAM10। 10% इसमें आपको इंडिविजुअल कोर्सेज पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस एंड स्टैटिक में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं। एलिजाबेथ बॉर्न बिकम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन 30 ईयर्स। फ्रांस की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है 30 सालों में। ठीक है, और इनको ओथ या इनको अपॉइंट करने का काम किसने किया है? जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न। इसके पहले इन्होंने जो मैक्रोन की पार्टी है उसको 2017 में ज्वाइन किया था। ट्रांसपोर्ट इकोलॉजी और लेबर मिनिस्ट्री को भी संभाला करती थी। ठीक है, इन्होंने जीन कैस्टेक की जगह ली है। तो जीन कैस्टेक जो है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको ही रिप्लेस जो है वो एलिजाबेथ बॉर्न के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सोमालिया के प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद को अपॉइंट किया गया है। ये है सोमालिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक जगह है। अगर हम यहाँ के कैपिटल की बात करते हैं तो मोगादिशु यहाँ पर कैपिटल है, और सोमाली सीलिंग जो है यहाँ पे करेंसी चलती है। यहाँ के सोमालिया के नए प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इन्होंने करेंट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो को हराया है। ठीक है ना, यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनकी कैबिनेट में 328 है, जिनमें से 214 वोट जो है वो हसन शेख मोहम्मद साहब को मिले थे। इसके पहले भी सोमालिया के प्रेसिडेंट 2012 से 2017 के बीच में हसन शेख मोहम्मद जी रहे हैं, मतलब वापस से ये प्रेसिडेंट बन गए हैं सोमालिया के। नेक्स्ट है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट सितिकांत पटनायक एंड राजीव रंजन एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 1 मई 2022 से इनका कार्यकाल शुरू कर दिया गया है, और इन दोनों को जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI का बनाया गया है। अगर हम राजीव रंजन की बात करते हैं, विल सर्व इन एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के जो एक्स ऑफिसो मेंबर की तरह भी राजीव रंजन को चुना गया था। इसके अलावा जो पटनायक जी हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिसी रिसर्च में सर्व किया करते थे। तो इन दोनों को क्या बना दिया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI का बना दिया गया है। अगर RBI की हायरार्की देखते हैं तो सबसे ऊपर गवर्नर होते हैं जो कि शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिसमें महेश कुमार जैन, MK जैन, इसके अलावा MD पात्रा, MR राव और T रविशंकर हैं। इसके अलावा फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके दो नाम याद हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ BSE। तो ये RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं SS मुंद्रा, इन्हें चेयरमैन ऑफ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बनाया गया है, और ये अपॉइंटमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर की गई है, मतलब अप्रूवल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। इन्होंने जस्टिस विक्रमजीत सेन को रिप्लेस किया है। ही रिप्लेस जस्टिस विक्रमजीत सेन हु इज़ द करेंट चेयरमैन।
मुंड्रा वॉज अपॉइंटेड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर एट बीएससी इन जनवरी 2018। तो 2018 में इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर बीएससी का अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा 2017 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे हैं और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के। अब इन्हें चेयरमैन बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बना दिया गया है। तो ऐसे इस मुंड्रा का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं नवीन श्रीवास्तव। नवीन श्रीवास्तव जी को न्यू एम्बेसडर टू नेपाल अपॉइंट किया गया है। तो भारत की तरफ से नेपाल में नए राजदूत कौन बन गए हैं? नवीन श्रीवास्तव जी बन गए हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में भी ये रहे हैं। इन्होंने विनय क्वात्रा की जगह ली है। मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि नेपाल में भारत के एम्बेसडर कौन है, विनय क्वात्रा जी हैं, और उनको ही रिप्लेस जो है वो नवीन श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया है। अब ये क्या करेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद जो हमारा LAC रीज़न है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो चाइना के साथ सिचुएशन को टैकल करेंगे नेपाल में रहकर। ठीक है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर धुया है, काठमांडू कैपिटल है, रुपी नेपाली रुपी वहाँ पे करेंसी चलती है और विद्या देवी भंडारी वहाँ पर प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम उन्नति अपॉइंट फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो ग्राम उन्नति जो कि एक एग्रीटेक स्टार्टअप है और इस स्टार्टअप की शुरुआत 2013 में IIT खड़गपुर के ग्रेजुएट अनीश जैन ने की थी। मतलब अनीश जैन ग्राम उन्नति जो कि एग्रीटेक स्टार्टअप है उसके CEO हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा जी को न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बोर्ड का अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, सुनील अरोरा जी 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के रहे हैं। ठीक है, इनका जन्म 1956 में हुआ था। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन भी हुआ था। ही ऑल्सो सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी। ही इज रिटायर्ड राजस्थान कैडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर फ्रॉम 1980 बैच। इसके अलावा इन्होंने दो मिनिस्ट्री को भी सर्व किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको भी इन्होंने हेड किया है या फिर सर्विसेज दी हैं। ठीक है, तो सुनील अरोरा जी का नाम याद रखना है आपको। तो जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे, कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। तो भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं, ये बात आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 324 में आपको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है एस एन सुब्रमण्यम। इन्हें MD एंड CEO बनाया गया है लॉर्सन एंड टर्बो का। इसके पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट रहे लॉर्सन एंड टर्बो के और अब इन्हें MD एंड CEO बना दिया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो ए एम नायक जो कि कंपनी के CEO थे, इन्हें हटाकर इनको रिप्लेस करके SN सुब्रमण्यम लॉर्सन एंड टर्बो के MD एंड CEO बन गए हैं। लॉर्सन एंड टर्बो LNT रियल इस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, काफ़ी सारी फील्ड में, IT में, इलेक्ट्रिसिटी में, काफ़ी सारी फील्ड में आपको ये कंपनी मिलेगी देखने के लिए। और ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड की टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनी में इसका नाम आता है। मुंबई में इसका हेड ऑफिस और फॉर्मेशन 1946 में हुआ था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बी गोविंद राजन को अपॉइंट किया गया है नया CEO रॉयल इनफील्ड का। तो रॉयल इनफील्ड एक अच्छी खासी बाइक होती है, देखी होगी आप लोग ने ऑब्वियसली। तो CEO कौन बन गए हैं, बी गोविंद राजन बन गए हैं। ठीक है, इशार मोटर के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके पहले भी फुल टाइम डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, 2021 अगस्त गोविंद राजन हैज़ बीन सर्विंग द कंपनी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो 2021 तक इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉयल इनफील्ड में सर्विस दी है और अब इन्हें CEO बना दिया गया है। रॉयल इनफील्ड का हेड ऑफिस आपको कहाँ मिलेगा, चेन्नई में। मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होती है इसकी, 1955 में बना था और इशर मोटर इसका ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इटालियन ओपन 2022 के बारे में। इटालियन ओपन कहाँ हुआ होगा, रोम में हुआ था, इटली रोम में जो है इटालियन ओपन 2022 हुआ था, जिसमें नोबाक जोकोविच जो है उन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और स्टेफेनोस तिसिपास को जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं उन्हें हराया है। अगर हम फीमेल सिंगल या वीमेन सिंगल के टाइटल की बात करते हैं तो ईगा स्वेतेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने ओन्स जेबियोर जो कि ट्यूनिशिया की प्लेयर हैं उन्हें हराया है। तो ये आपको चारों नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा नोबाक जोकोविच 5th नंबर के मैन बन गए हैं जिन्होंने 1000 मैचेस जीते हैं। ठीक है, तो 5th नंबर के मैन बन गए हैं जिन्होंने 1000 मैचेस जीते हैं और इन्होंने हराया था कैस्पर रूट को सेमीफाइनल में।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया वॉन 8 गोल्ड मेडल इन 2021 डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो ब्राज़ील में हुए थे, ठीक है, ब्राज़ील में हुए थे। भारत को यहाँ पे टोटल 16 मेडल मिले हैं, तो याद रखेंगे डेफ ओलंपिक में भारत को कितने मेडल मिले हैं, 16 मेडल मिले हैं, और इस 16 के आधे मतलब 8 जो है वो गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल मिला है और 7 जो है वो ब्रोंज मेडल मिले हैं। तो इस तरीके से टोटल 16 मेडल जो है वो भारत को मिले हैं इस डेफ ओलंपिक में जो कि ब्राज़ील में हुए थे। इस तरीके से जो मेडल टैली तैयार हुई है, उस मेडल टैली में भारत की जो पोजीशन है वो 9th नंबर पे है। भारत की पोजीशन किस नंबर पे है, 9th नंबर पे है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, 3 गोल्ड मेडल शूटिंग में मिले हैं। शूटिंग के नाम धनुष श्रीकांत, अभिनव देशवाल, सौर्या सैनी, वेदिका शर्मा, हमने बार बार बीच में इनके बारे में डिस्कशन आपसे किया है। अभिनव देशवाल और धनुष श्रीकांत के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बताया भी था। तो यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल मिले हैं जो कि शूटिंग में हैं, 3 गोल्ड मेडल बैडमिंटन में मिले हैं, 1 गोल्फ में और 1 टेनिस में। इस तरीके से टोटल 8 गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं और टोटल मेडल कितने हैं, 16 हैं, और यहाँ पे भारत की रैंकिंग मेडल टैली में कितनी है, 9th नंबर पे है। तो ये सारे प्लेयर हैं शूटिंग से, बैडमिंटन से और टेनिस से एसोसिएटेड, ठीक है। शूटिंग वाले प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिफ्त कौर समरा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ISSF। ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि जर्मनी में हो रहा था। इसमें इन्होंने 3 अलग अलग पोजीशन में, है ना, स्टैंडिंग पोजीशन, नी पोजीशन, तो 3 अलग अलग पोजीशन में 50 मीटर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा आसी चौकसे ने ब्रोंज मेडल सेम इवेंट में हासिल किया है। इस तरीके से अभी तक भारत की जो रैंकिंग चल रही है, भारत के पास टोटल अभी 25 मेडल हैं, जिनमें से 10 गोल्ड मेडल हैं, 12 सिल्वर हैं और 3 ब्रोंज मेडल हैं। तो भारत टॉप पर चल रहा है फिलहाल तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में। सेकेंड नंबर पर जो है वो कौन चल रहा है, तो सेकेंड नंबर पर चल रहा है आप यहाँ देखेंगे इटली, इसके पास 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रोंज मेडल हैं। और हालांकि थर्सडे मतलब आज के दिन ये चैंपियनशिप ख़त्म हो जाएगी, फिर हम वापस से इसको कल डिस्कस कर लेंगे कि भारत को टोटल कितने मेडल यहाँ पे मिले हैं और टैली में इसकी रैंकिंग कितनी आ रही है। फिलहाल तो भारत जो है वो टैली में काफ़ी अच्छी रैंकिंग पे होल्ड चल रहा है, लीड कर रहा है 25 मेडल के साथ। 10 गोल्ड हैं, 12 यहाँ पे सिल्वर है और 3 ब्रोंज मेडल हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है आसी चौकसे का नाम और सिफ्त कौर शमरा का नाम आपको याद रखना है। ये दोनों कौन है, शूटर है, शूटिंग से एसोसिएटेड है। और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ हो रही है, जर्मनी में हो रही है। चलो अगली बात, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगी मैं, एक प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करूँगी। राजनाथ सिंह इंडक्टेड 2 इंडिजीनियसली बिल्ड वॉरशिप इनटू इंडियन नेवी। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा पूरी तरीके से मेड इन इंडिया भारत में डेवलप 2 वॉरशिप को कमीशन कर दिया है या दे दिया है इंडियन नेवी को। तो उन 2 वॉरशिप का नाम क्या है, तो एक वॉरशिप है सूरत, सूरत पता है ना गुजरात में है, डायमंड के लिए बड़ा फेमस है, तो एक वॉरशिप का नाम है सूरत और दूसरी वॉरशिप का नाम है उदयगिरी। उदयगिरी बेसिकली एक माउंटेन रेंज है आंध्र प्रदेश में, उसी के नाम पे इस वॉरशिप का नाम उदयगिरी रखा है। तो 2 मेड इन इंडिया वॉरशिप को इंडियन नेवी को दिया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। एक का नाम है सूरत और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है उदयगिरी। और इन दोनों वॉरशिप जो है उनकी कैपेसिटी है कि ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये सूरत जो है, सूरत और आपका कौन है ये उदयगिरी, इनको तैयार कौन कर रहा है, तो इनको तैयार किया गया है मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा, ठीक है। किसने तैयार किया है, मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने इसे तैयार किया है। अभी जो सूरत है ये प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 4 डिस्ट्रॉयर तैयार करने थे, 4 वॉरशिप या डिस्ट्रॉयर को तैयार करना था, और उसमें चौथे नंबर का कौन सा है, सूरत है, जिसको यहाँ पे इंडियन नेवी को दे दिया गया है। दूसरा है उदयगिरी, उदयगिरी को प्रोजेक्ट 17A के अंदर तैयार किया जा रहा था, और प्रोजेक्ट 17A में 7 फ्रिगेट या 7 वॉरशिप को तैयार करना है, और उसमें ये 3rd नंबर का जो है वो उदयगिरी है। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहती हूँ, वापस से सुनते हैं। राजनाथ सिंह जी के द्वारा इंडियन नेवी को 2 वॉरशिप दिए हैं, एक सूरत और एक उदयगिरी। सूरत प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, प्रोजेक्ट 15B के अंदर 4 वॉरशिप बननी थी, तो चौथे नंबर का सूरत है,
ठीक है। और यहाँ पे जो उदयगिरी है, उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखिए प्रोजेक्ट 15B, इसके अंदर 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार होने थे, जिसका कंस्ट्रक्शन मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा तैयार करना था मुंबई में, और 4th नंबर की वॉरशिप को कमीशन कर दिया गया है। और इनकी कैपेसिटी है, ये इक्विप्ड है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ, जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर टारगेट कर सकती हैं। अब चार कौन कौन से थे, विशाखापट्टनम, फिर मरगांव, इम्फाल और सूरत, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A इसको गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था 2015 में, ठीक है, जबकि ये जो प्रोजेक्ट 15B है 2011 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत 7 यहाँ पे फ्रिगेट या एडवांस फ्रिगेट्स तैयार करने थे, जिनमें से तीन जो तैयार होने थे वो कौन कर रहा था, तीन तैयार कर रहा था GRSC, GRSC मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, बाकी रिमेनिंग जो है वो मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा तैयार किए जाने थे, ठीक है। पहले नंबर का इसमें था हिमगिरी, फिर है दूनागिरी, थर्ड नंबर का उदयगिरी, फिर विंध्यगिरी, तारागिरी, ठीक है, ये सारे नाम है जो किसी ना किसी हिल्स के नाम पर है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं लिखा है कि 5 तैयार होने थे नीलगिरी क्लास में, कहीं लिखा है कि 7 तैयार होने थे, तो आधे, लेकिन इतना तय है कि आधे मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड बना रहा था और आधा GRSC बना रहा था, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान नोटिफाइड एज 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। हालांकि भारत में 53 टाइगर रिजर्व है, यह बात आपको पता है, सो कमेंट करके बताइएगा 53 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। हमने पढ़ा है, पहले भी डिस्कशन किया है, यहाँ पे 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया यहाँ पे नोटिफाई किसे किया गया है, तो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किया गया है। मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में है, और ये राजस्थान का 4th और भारत का 52nd नंबर का रिजर्व फॉरेस्ट बन जाएगा, जहाँ पे वाइल्ड कैट है, फॉर द वाइल्ड कैट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करेगा। अब 4th नंबर का ये टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, मतलब 3 और हैं, कौन कौन से, रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है सवाई माधवपुर रीजन में, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व कोटा में, और अभी 4th नंबर पे आ गया है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है, ये 4 टाइगर रिजर्व राजस्थान में है और ये 52nd नंबर का रिजर्व फॉरेस्ट बन गया है फॉर वाइल्ड कैट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है अदानी, अदानी बिकम्स इंडिया सेकेंड बिगेस्ट सीमेंट मेकर कंपनी, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट मेकर कंपनी अदानी ग्रुप बन गया है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे है आदित्य बिरला, आदित्य बिरला की सीमेंट्स आती है ना, ठीक है ना, अल्ट्राटेक सीमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है आदित्य बिरला ग्रुप जिसे ओन करता है, वो फर्स्ट बिगेस्ट सीमेंट मेकर कंपनी है भारत की, और सेकेंड नंबर पे अडानी ग्रुप बन गया है, क्योंकि रिसेंटली अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे कुछ मर्जर किए गए थे, कुछ एक्वायर चीज़ें उन्होंने की हैं, वो हम देख लेते हैं। अडानी ग्रुप हैज़ एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन स्विस बेस्ड होलसेम AG सीमेंट बिजनेस इन इंडिया इन $10.5 बिलियन डील। तो $10.5 बिलियन की डील के साथ यहाँ पे होलसेम के 10.5% स्टैक, सॉरी कुछ परसेंट स्टैक को कंट्रोल, मतलब एक्वायर कर लिया गया है। अब इस वेंचर ने क्या किया, इस वेंचर ने जो आपका अंबुजा सीमेंट और ACC जो उसकी सब्सिडरी है उसके स्टैक को खरीद लिया। द ग्रुप हैज़ एक्वायर 63.19 अंबुजा सीमेंट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी ACC इन द बिडिंग विथ कंपनीज, ठीक है। और इस तरीके से अभी सेकेंड बिगेस्ट सीमेंट मेकर कंपनी बन गई है। अगर बात करते तो अंबुजा सीमेंट और ACC जो है इनकी कैपेसिटी 70 मिलियन टन सीमेंट को एनुअली प्रोड्यूस करने की, जबकि जो अल्ट्राटेक है उसकी कैपेसिटी 120 मिलियन टन कैपेसिटी की है, ठीक है। तो अदानी जो है वो सेकेंड नंबर की बन गई है। अब ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई यही होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 में ट्राई बनी थी। अभी इसकी सिल्वर जुबली जो है वो सेलिब्रेट की गई, और इसको एड्रेस किसने किया था, PM मोदी जी के द्वारा इसको एड्रेस किया गया था ऑन 17 मई। PM मोदी एड्रेस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ ट्राई, और इस सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में एक पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया गया था, ठीक है।
यहाँ पर इस सेरेमनी में कहा गया कि अभी जो मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत में जिसकी बर्थ अगर बोल सकते हैं या एस्टिमेशन बोल सकते हैं लगभग $25 बिलियन है, और बोल रहे हैं कि 2030 तक जो मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसकी बर्थ कितनी हो जाएगी, $70 बिलियन हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2G ट्रांसपेरेंट नहीं था, लेकिन 4G को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से लॉन्च किया, इंस्टॉल किया, और हम बहुत जल्दी 5G को भी यहाँ पे, मतलब 5G के लिए भी हम टेस्ट बेड बनाएंगे, और IIT मद्रास इसमें हेड होगा, और अलग अलग 8 इंस्टीट्यूट में 5G टेस्ट बेड को तैयार किया जाएगा, ये बात भी यहाँ पे बोली है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेट 5G विल बी हेल्प इन इम्प्रूविंग गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट है डॉक्टर कमल बाबा। डॉक्टर कमल बाबा इलेक्टेड टू US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो इन्हें एक बायोलॉजिस्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट, जिसे ATRI कहा जाता है, इसके मेंबर हैं, फाउंडर या फिर प्रेसिडेंट भी हैं, मेंबर ऑफ द NCBS मतलब नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के एडवाइजरी बोर्ड के भी मेंबर है, और इन्हें US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ इन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा फेलोशिप भी दी गई है। द चीफ ऑफ बेंगलुरु बेस्ड अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डॉक्टर कमाल बाबा, जो कि प्रेसिडेंट है, चीफ है, उन्हें US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा चुना गया है। साथ ही साथ रॉयल सोसाइटी लंदन की भी फेलोशिप इन्हें दी गई है। तो डॉक्टर कमल बाबा का नाम याद रखना है। चलिए अगले हैं बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022। ठीक है, बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022। बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड जो है वो हर साल दिए जाते हैं, और 1990 से हर साल ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। केवल 2007 और 2010 के बीच में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे। तो जो नए आर्टिस्ट होते हैं उनको इनकरेज करने के लिए बेसिकली बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ नाम है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं ड्रैक। ड्रैक हैज़ वॉन बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 इन टॉप आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट, रैप आर्टिस्ट, रैप मेल आर्टिस्ट, रैप एल्बम कैटेगरी। तो इस सारी कैटेगरी, चाहे वो टॉप आर्टिस्ट की कैटेगरी हो, मेल आर्टिस्ट की कैटेगरी हो, रैप आर्टिस्ट की कैटेगरी हो, रैप एल्बम की कैटेगरी हो, इन सारी कैटेगरी में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? ड्रैक को दिया गया है। अगर हम टॉप न्यू आर्टिस्ट की बात करते हैं तो ओलिविया रोड्रिगो, टॉप फीमेल आर्टिस्ट भी वही हैं, और टॉप रेडियो सॉन्ग आर्टिस्ट भी यही हैं, टॉप बिलबोर्ड ग्लोबल 2022 आर्टिस्ट भी ओलिविया ही हैं। तो देखिए, एक ड्रैक है और एक ओलिविया है, दो ही नाम तो बेसिकली आपको याद रखने हैं। फिर टॉप बिलबोर्ड 200 आर्टिस्ट किसे दिया गया है? टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं, तो ड्रैक और ओलिविया का नाम आपको याद रखना है। इंडिया बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। भारत जो है वो दुनिया का फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गया है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर देखेंगे चाइना है, चाइना के बाद अगर आप देखेंगे तो USA है, USA के बाद जापान है, और जापान के बाद जर्मनी हुआ करता था। जर्मनी को पीछे छोड़कर इंडिया आगे निकल गया, और इंडिया की जो रैंक है वो फोर्थ नंबर पर आ गई है लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। इस रिपोर्ट को OICA ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर डी ऑटोमोबाइल, एक फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, OICA के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और इसमें कहा गया है कि 2021 में लगभग 3,75,00,000 जो व्हीकल्स हैं वो सोल्ड हुए हैं इंडिया में, जो कि 2020 के कंपैरिजन या जर्मनी के कंपैरिजन में 26% ज़्यादा है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना फर्स्ट, USA सेकेंड, जापान थर्ड नंबर पर है, और भारत फोर्थ नंबर पर है व्हीकल्स को सोल्ड करने में या व्हीकल्स के मार्केट में। ठीक है, OICA का हेड ऑफिस पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे दो रिपोर्ट या फिर दो करेंट न्यूज़ हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ XV वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस? तो XV वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की जो मीटिंग थी वो 2 से 6 मई 2020 में हुई थी। किस देश के द्वारा इसे होस्ट किया गया था? तो ये साउथ कोरिया या रिपब्लिक ऑफ कोरिया में इसे होस्ट किया गया था, और जिसकी कैपिटल सियोल है। तो सियोल में पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे सियोल डिक्लेरेशन पे साइन किया गया था। लगभग 141 कंट्री ने सियोल डिक्लेरेशन पे साइन किया। अब सियोल डिक्लेरेशन क्या है? सियोल डिक्लेरेशन कहता है कि 2023 तक हम ट्रिपल इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो डिग्रेडेड लैंड है ना, उनको वापस से हम रिस्टोर करेंगे। साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आते हैं उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता, तो उस पर डिस्कशन यहाँ पर हुआ। तो XV वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? तो
को होस्ट किया था साउथ कोरिया, सियोल में हुई थी। अब यहाँ पर देखिएगा अवार्ड सेरेमनी भी थी, बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये आपकी XV वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस को कंडक्ट कराया गया था। अब यहाँ पे एक अवार्ड भी दिया गया जिसका नाम है बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022। तो बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 भी यहाँ पर सियोल में ही दिया गया था, ठीक है। किसे दिया? एक कैमरून की एक्टिविस्ट है जिनका नाम है सेसिल एंडी जेबेट, इनको ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रिजर्विंग फॉरेस्ट एंड इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन देम। तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या जिनकी लाइफ फॉरेस्ट पे डिपेंड होती है, तो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 इन्हें दिया गया। और ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? साउथ कोरिया में हुई थी। क्लियर हो गई थी चीज़ें? चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवीजन क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने हालांकि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं जिनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल एंड हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैव साइंड एन MOU टू सेटअप स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एट। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? तो ये बनारस में सेटअप किया जा रहा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप अभी जो मुद्दा चल रहा है ज्ञानव्यापी मॉस का, उसके बाद जो भी मस्जिद का जो भी शिवलिंग मिला या जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, अगर आप वो सारा डिस्कशन चाहते हैं, एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, तो आज बर्निंग इशू उस पर कवर किया जाएगा, तो आप शाम को 4 बजे उस वीडियो को देख पाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म विच एम टू इम्प्रूव एक्सेस एंड यूज़ ऑफ पब्लिक इंडियन गवर्नमेंट डेटा। तो किसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्काई ब्रिज 721 जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज है, उसको टूरिस्ट के लिए कहाँ पर ओपन किया गया है? आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोरियन बैंक KEB हैना बैंक पर कितनी पेनल्टी इम्पोज की गई है? तो कितनी यहाँ पे पेनल्टी लगाई है? तो आंसर हो जाएगा 59 लाख रुपए की, 59 लाख, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरत और उदयगिरी रिसेंटली जिन्हें डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर इंडियन नेवी को दिया गया है, वो क्या है? तो मैंने डिस्कस किया था आपको, दोनों क्या है? वॉरशिप है, एक प्रोजेक्ट 15B और एक प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे कि UAE के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि अभी भारत के नए इलेक्शन कमीशनर कौन अपॉइंट हुए हैं, ये दोनों बातें आप हमें कमेंट में बताइएगा, सही आंसर भी मैं आपको वहीं दूंगी। थैंक यू, टेक केयर।